हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तख्त से उठे और आप आग से बाहर निकल आए, आपका बिल्कुल वजूद सलामत है, कपड़ों कुछ भी नहीं हुई। उस वक्त अमरूद ने कहा कि ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारे खुदा के नाम के लिए 4000 गाय ज़िबा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, तमाम बीमारियों से महफूज रखे। तो एक दफ़ा फिर से मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो, अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईद की नमाज़ पढ़ के आए हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है। जैसे कि अभी आपने सीन पहले देखा है कि काफ़ी बादल बने थे, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, अभी काफ़ी प्यारा सीन हो चुका है। और इस टाइम पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत से हमारे अजीज़ वकारीब, बहुत से करीबी लोग हर साल हमसे बिछड़ जाते हैं। तो ईद पर और वैसे भी ओवरऑल रूटीन में और स्पेशली ईद पे ज़रूर कब्रिस्तान जाया करें, फातिहा पढ़ा करें और उनकी मगफरत के लिए दुआ किया करें। तो अभी थोड़ी सी बारिश है, बिल्कुल हल्की सी, तो थोड़ी रुकती है, तो मैं इंशाल्लाह ताला कब्रिस्तान जाऊंगा और वहाँ फातिहा वगैरह पढ़ूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में, क्योंकि अभी कुर्बानी का सिलसिला जो बकरे को अभी टाइम है, तो अभी उसको बाद में ही देखते हैं। अच्छा तो दोस्तों, तकरीबन अभी ये टाइम आ गया और हालत आप देख सकते हैं मेरी, सुबह से लगे थे काम, बकरे वगैरह की कुर्बानी की है, सारा काम किया और तकसीम वगैरह भी सारा कर दिया। तो अभी तीन यही है कि खुद अभी मैंने शावर लेना है, फिर कपड़े पहनूंगा, कपड़े ये तो गंदे हैं अभी, तो जैसे वो आजकल टिकटॉक पे चल रहा है बराबरी अभी मरासियाँ नाल, अभी ये हिसाब हुआ हमारा। तो अभी शावर वगैरह लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक जी। तो अभी फ्रेश वगैरह हुआ हूँ, खाना वगैरह खाया, तो अभी एक काम फिर से पड़ गया है, चमड़ी है, खलड़ी है, जो भी से आप कहते हैं, ये अभी बाकी है। तो इसको अभी मैं सद्देबाप करता हूँ इसका, और इसको पहुँचा के आता हूँ, फिर कहीं फारग हो के आपसे मिलते हैं, बात करते हैं आपसे। तो और दूसरा ये कि अभी मैं सारे दिन का सुबह का कब्रिस्तान भी नहीं गया, यही ऐसे ही काम में मसरूफियात रही है। तो अभी मैं फारग हो गया इस काम से, तो कब्रिस्तान भी जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, वहाँ फातिहा करूँगा। तो मिलते हैं आपसे इसके बाद। तो अच्छा जी, अभी मैं फ्री होकर आया हूँ और मेरे पीछे जैसा कि आप देख रहे होंगे, वो मैं नहर की साइड पे आया हूँ, तो इसी रास्ते से मैं कब्रिस्तान की तरफ जाऊँगा। तो आज तो नहर खाली है बिल्कुल, यहाँ कोई भी नहीं है, ईद का दिन है। हाँ, ये 3 से 4 लड़के नहा रहे हैं, वो अगर आपको सामने नज़र आए तो यही हैं बस। तो अभी चलते हैं आगे, तो देखते हैं। तो जी, मैं कब्रिस्तान आ गया हूँ, और जैसा कि मैंने सुबह भी अपनी वीडियो में स्टार्ट में कहा था कि जो अज़ीज़ो क़ारिब अपने हमारे हमसे अलग हो चुके हों, इस दुनिया से चले गए हों, तो उनके लिए ज़रूर मगफ़रत की दुआ किया करें, फातिहा पढ़ा करें, ताकि अल्लाह पाक किसी एक की दुआ के सदक़े उनके दर्जात बुलंद कर दें और उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाएं। तो यहाँ आते रहा करें, तो भी चलते हैं आगे।
फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे। तो या मैं एक बात कहूँगा कि जो कोई अपने आप को कुछ बड़ा महान समझता है, कोई गुरूर है, तो यहाँ ज़रूर चक्कर लगाया करें, क्योंकि यहाँ बड़े अहदेदारान, बड़े बड़े जो अपने आप को समझते थे, सारे एक लाइन में हैं। यहाँ कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सारे एक साथ में हैं। तो यहाँ आए तो आपको एक आजी नज़र आएगी, जो अपनी मैं वो ख़त्म हो जाती है इधर आकर। तो जी फातिहा पढ़ लिया, और मेरा फिर से यही मैसेज है कि अपनी खुशी गमी में अपने इन प्यारों के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला करें, इनको भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, और हर टाइम अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। तो अपने आप को, खुद को ज़रूर देखें, और अल्लाह पाक ने हमें अनगिनत नेमतों से नवाजा है, तो जितना हो सके शुक्र अदा किया करें, यही सबसे बड़ी बात है। और कभी ज़रूर मैं बात आई, जितना अल्लाह का शुक्र हो सके उतना अदा करें। तो जिस जिसने आज कुर्बानी की, अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल करे। और दूसरा ये कि यही थी मेरी आज की रूटीन, आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।